Hello everyone, welcome everybody in teaching of physical science class. As you know, that is the subject of B.Ed. first year, and in nowadays we are doing our very interesting and very important topic, that is skill of teaching. जिस तरह से एक खाने में मसालों का होना बहुत necessary है, similarly teaching को effective बनाने के लिए अच्छे skills का होना बहुत आवश्यक है. Skills जो कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे हमने कल जिसके अंदर देखा था कि स्किल्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वेरियस टाइप की स्किल्स क्या होती हैं, और इन सबको हम एक बीएड कोर्स के अंदर, जो एक ट्रेनिंग कोर्स है जहाँ उन्हें प्री सर्विसेज के बिहाव पर पढ़ा जाता है, तो उनको हम कहाँ पढ़ते हैं? हम माइक्रो टीचिंग के कंसेप्ट के अंदर, बीएड कोर्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप की स्किल्स हैं उन सबको पढ़ा जाता है. जब हम माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, जो कि हमारे बीएड कोर्स का एक ट्रेनिंग प्रोसेस है, उसके बिहाव पर, तो वहाँ आप सभी को मौका मिलता है अपने स्किल्स को प्रिपेयर करने का और उसके साथ साथ उन स्किल को डेमोंस्ट्रेट करने का. तो वो चीज़ हमने माइक्रो टीचिंग में देखी थी कि माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होता है, कितने टाइम के अंदर उसे कंप्लीट किया जाता है. इसी के साथ साथ हमने हमारी पहली जो स्किल है, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, कि जब हम किसी भी विषय को अगर क्या करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस स्किल को अपनाएंगे या उसके अंदर कौन कौन से ऐसे कंटेंट होगा जो एक टीचर के द्वारा करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो कि एक टीचर के द्वारा नहीं करनी चाहिए, उन सब चीजों को हमने देखा था. एक और खास बात कि जो भी स्किल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये स्किल जो है वो जब हम डिलीवर कर रहे हैं, जब उनको हम बच्चों के सामने या जो आपकी के कोलीग्स हैं उनके सामने आपको करने का मौका मिलता है, जब आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपको एक स्किल को करने के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम मिलता है. यानी कि आपको सिर्फ उस स्किल को कितने टाइम के लिए प्रिपेयर करना है, 5 to 6 मिनट के लिए जो है वो प्रिपेयर करना होता है. सिर्फ कंटेंट जो है हमें इतना रखना है कि हमारा कंटेंट 5 या 6 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए. जब हम इंट्रोडक्शन स्किल को बता रहे हैं, प्रस्तावना कौशल की, विषय वस्तु की हम प्रस्तावना करने जा रहे हैं, तो प्रस्तावना के अंदर हमें 5 या 6 मिनट आई थिंक सफिशिएंट होते हैं किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए. तो वहां पर हमें किस तरह से इंट्रोडक्शन देनी है, क्या मेजर एस्पेक्ट्स एक कंसर्न टीचर के द्वारा करने चाहिए ताकि बच्चा जो है वो क्या हो जाए, मेंटली प्रिपेयर हो जाए किस चीज के लिए, पढ़ने के लिए क्लास में एक्टिव रोल जो है वो अपना दिखाना स्टार्ट वो करे. अब इंट्रोडक्शन स्किल की बात हो गई, अब आज हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट स्किल, और जो हमारी नेक्स्ट स्किल है वो क्या है हमारे पास, दैट इज स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग. स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, जिसे हम क्या कह सकते हैं, व्याख्या कौशल कहा जा सकता है. व्याख्या कौशल, व्याख्या क्या होता है? अब देखिए, सिर्फ इंट्रोडक्शन से तो काम नहीं चलेगा. जब हम किसी भी कंटेंट को, किसी भी कंसेप्ट को बच्चों के सामने पढ़ाया जा रहा है, साइंस के हैं, मैथ के हैं, एसएसटी के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, तो वहां हमें एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, कंसेप्ट को एक्सप्लेन में. एक्सप्लेन में होता क्या है कि कंटेंट को जब एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इसका मेन मकसद क्या होता है, दैट गिव द डीपली नॉलेज ऑफ एनी कंटेंट, जो भी कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन की सहायता से क्या किया जाता है, उस कंसेप्ट की, उस टॉपिक की गहराई पूर्ण जानकारी जो है वो दी जाती है. ये क्या होता है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सप्लेन. कोई भी टीचर किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे मैं आपको कहूं कि आप लोग जो है साइंस के स्टूडेंट हैं, आप एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या है, पॉल्यूशन. तो पॉल्यूशन को सिर्फ इंट्रोड्यूस करने से काम नहीं चलेगा, आप इस पॉल्यूशन को बच्चों के सामने क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये वाकई में पॉल्यूशन जो है वो कंसेप्ट है क्या, प्रदूषण है क्या, जिसमें आप उसका मीनिंग बताएंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, उसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे. हर चीज जो है वो आपके द्वारा उस नॉलेज को, यानी कि इस पॉपुलेशन को प्रॉपरली क्या किया जाएगा, इलैबोरेट किया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को उसकी जानकारी दी जाएगी. तो एक्सप्लेनिंग स्किल
के अंदर क्या किया जाता है, यहाँ किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी टॉपिक, किसी भी कंसेप्ट, किसी भी फैक्ट, किसी भी रूल, किसी भी प्रिंसिपल, इन सब चीजों के ऊपर क्या करी जाती है, एक डीपली जो है वो नॉलेज दी जाती है, कंसेप्ट को क्या कर दिया जाता है, इलैबोरेट जो है वो किया जाता है। तो ये क्या होती है हमारी स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, जहां हम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। क्यों आवश्यक है एक्सप्लेन करना, क्यों जरूरी है कि हम कंसेप्ट को डीपली जाकर बच्चे को समझाएं। हम क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहा है, एक लर्नर का निर्माण कर रहा है, एक बच्चे को विकसित कर रहा है। तो जहां उसे स्टूडेंट को विकसित करना है, तो उसके प्रॉपरली विकास क्रम में अगर हम उसको गहराईपूर्ण जानकारी नहीं देंगे, तो उसका जो हम व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको कोई चीज सिखाना चाहते हैं, वो प्रॉपरली उसको सिखाई नहीं जाएगी। अब बात आती है कि जब एक्सप्लेनिंग स्किल करी जाती है, तो हमें किन चीजों का, एसेंशियल पॉइंट्स का इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। एसेंशियल पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान रखने हैं किस चीज के अंदर, जब हम एक्सप्लेनिंग स्किल जो है वो कर रहे हैं, सबसे पहले किस चीज को ध्यान रखना है, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का पूर्व ज्ञान, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। पूर्व ज्ञान क्या होता है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर बताया था कि पूर्व जानकारी, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले जो भी उसके बारे में पता है वो प्रीवियस नॉलेज के अंदर आता है, और हर स्टूडेंट की कुछ ना कुछ क्या होती है, प्रीवियस नॉलेज होती है। तो प्रीवियस नॉलेज का जो है कंसर्न टीचर को ध्यान रखना है जब वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसके साथ साथ हम कहें कि एज एंड मैच्योरिटी लेवल, बच्चे की परिपक्वता, मैच्योरिटी लेवल और उसका आयु, एज स्तर जो है वो क्या है, इन सब चीजों को जो है वो ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ कंटेंट मैटर या कंटेंट मटेरियल जो कि पढ़ाया जाना है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि एज एंड द मैच्योरिटी लेवल, एज एंड मैच्योरिटी लेवल में क्या होता है, देखो जब हम बच्चे को समझा रहे हैं, बच्चा क्लास के अंदर है, तो एक आप सिक्स्थ क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, एक आप सेवेंथ क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, एक नाइन्थ क्लास के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, टेंथ क्लास के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। तो जो सिक्स्थ क्लास के बच्चे का लेवल है वो, और जो टेंथ क्लास के बच्चे का लेवल है, इन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। इन दोनों के अंडरस्टैंडिंग लेवल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसीलिए बच्चे को जब हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो उसे मैच्योरिटी लेवल का ध्यान जो है वो रखना है। जब बीएड करने के बाद बच्चा क्लास के अंदर पढ़ाने जा रहा है, तो उसे पढ़ाने के लिए सिक्स क्लास भी मिल सकती है, उसे सेवेंथ क्लास भी मिल सकती है, उसे नाइन्थ भी मिल सकती है, उसे टेंथ भी मिल सकती है। दैट मीन्स उसे ये चारों की चारों क्लासेस जो है वो पढ़ाने को मिल सकती है, जो हम मिडिल लेवल या सेकेंडरी की बिहाफ पर बात करते हैं, प्लस वन प्लस टू भी जो है वो कंसिडर करी जा सकती है। तो मैच्योरिटी लेवल की, हम किस लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उनका जो हम प्रीवियस नॉलेज है, वो सभी की सभी कहीं ना कहीं किस पर बेस्ड होती है, मैच्योरिटी लेवल के ऊपर बेस्ड होती है। तो जब एक्सप्लेनेशन करी जा रही है, तो उसमें मैच्योरिटी लेवल को ध्यान रखना है। अब बात आती है अगला पॉइंट हमारा, दैट इज कंटेंट मटीरियल। कंटेंट मटीरियल क्या है, जो हमारी विषय वस्तु है, जो पाठ्य वस्तु है, कि वो टॉपिक हमारा किस तरह का है, कंटेंट कैसा है, उसकी नेचर किस तरह की है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपना एक्सप्लेनेशन जो है वो करना है। जब हम किसी भी रूल को डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी फैक्ट्स के बारे में जानकारी दी जा रही है, किसी भी प्रिंसिपल के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो इन सब के लिए जो भी स्टेटमेंट यूज करी जाए टीचर के द्वारा, वो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में जो रूल हैं, फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जब भी हम कंटेंट मटेरियल को पढ़ा रहे हैं, पाठ्य वस्तु की जो प्रकृति है, नेचर है, उसके बिहाफ पर जहां एग्जांपल का सहारा हमें लेना है, आगे बढ़ेंगे आप आपकी एक्सप्लेनेशन के बाद, इसके अंदर इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल स्किल भी जो है वो आएगी,
जहां हम एग्जांपल उदाहरणों से भी जो है वो बच्चे को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। तो ये सब चीज किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये कंटेंट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी कि हाँ भाई हम क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चे को, क्या चीज है हमारी कि ऐसा कंटेंट है जिसे हमें उदाहरण से बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या ऐसा कंसेप्ट है कि जहां हमें फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो है उसे देनी है। तो ये क्या है, दीज आर द एसेंशियल पॉइंट्स जो कि एक टीचर को ध्यान रखने हैं, किस टाइम जब वो किसी भी विषय वस्तु की क्या दे रहा है, एक्सप्लेनिंग कर रहा है, कंटेंट को क्या किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो उस समय उसे इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब एक्सप्लेनेशन करी जा रही है, तो जब एक्सप्लेनेशन करी जाती है तो कुछ स्टेटमेंट्स कुछ कथनों को जो है हम यूज करते हैं इसके अंदर, तो वो कथन या स्टेटमेंट्स जो है वो क्या हो सकती हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर, क्या कहा जाता है उन्हें, अलग अलग जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक्सप्लेनेशन के अंदर यूज करी जाती है। सबसे पहली इसके अंदर स्टेटमेंट आती है, दैट इज वर्णात्मक कथन, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, इसमें एक्सप्लेनेशन स्किल के अंदर, और सबसे पहली हमारी स्टेटमेंट है इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव। हिंदी में मैंने अभी बताया आपको, उसे कहेंगे हम वर्णात्मक कथन। दूसरी आती है इसके अंदर इंटरप्रिटिव स्टेटमेंट, इंटरप्रिटिव स्टेटमेंट जिसे हिंदी में हम कहेंगे अर्थात्मक कथन, अर्थ को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज करी जाएंगी वो कैसी होंगी, इंटरप्रिटिव स्टेटमेंट होंगे। नेक्स्ट आती है लास्ट हमारे अंदर, जैसे रीजन गिविंग स्टेटमेंट, रीजन गिविंग स्टेटमेंट जिसे हम कहेंगे कारण बताने वाले कथन, कारण बताने वाले कथन। अब देखिए, जब आप किसी भी विषय वस्तु को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जब वर्णन कर रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिप्टिव कंटेंट को यूज किया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव कंटेंट को किस लिए यूज किया जाएगा, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी कंसेप्ट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन ऑफ एनी कंसेप्ट, किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो उसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स को जो है वो यूज करेंगे। इंटरप्रिटिव स्टेटमेंट्स किसके लिए यूज करी जाती हैं, दैट इज यूज्ड टू गिव मीनिंग ऑफ एनी कंसेप्ट, किसी भी विषय वस्तु का हम क्या बता रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं, तो उसके लिए हमारे इंटरप्रिटिव स्टेटमेंट यूज होती है। लास्ट आती है हमारे इसके अंदर रीजन गिविंग स्टेटमेंट। रीजन गिविंग स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसी स्टेटमेंट जिससे किस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, रूल्स हैं या फॉर्मूलाज हैं, या मैं ये कहूं कि जहां पर क्वेश्चंस अराइज होते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इन सब क्वेश्चंस का जब आंसर्स दिया जाता है, इनको जब एक्सप्लेन किया जाता है तो उसके अंदर क्या यूज किया जाता है, रीजन गिविंग स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं। तो अभी तक हमने देखी कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमारी एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनिंग स्किल के अंदर यूज करी जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जब कोई भी पुपल टीचर एक कम स्किल को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वहां जब वो स्किल को एक्सप्लेन कर रहा है तो कौन से कंपोनेंट्स उसे ध्यान में रखने हैं। कंपोनेंट्स क्या थे, जैसे मैंने आपको कल बताया था, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, घटक, घटक अर्थात क्या चीज एक स्किल को करते हुए हमें करनी है और क्या चीज नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी हमारी स्किल हो। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी एक्सप्लेनेशन स्किल है उसके अंदर कौन कौन से डिजायरेबल कंपोनेंट्स होते हैं
जिन्हें ध्यान रखना चाहिए स्किल को करते हुए। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेनिंग स्किल, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं इसके अंदर? सबसे पहला इसके अंदर स्टेटमेंट आता है, दैट इज यूजिंग एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि उपयुक्त प्रारंभिक एवं निष्कर्ष कथनों का प्रयोग। क्या यूज करना हमें? दैट इज यूज ऑफ एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। सेकेंड आती है यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स। Use of explaining links, जिसे हम हिंदी में कहेंगे व्याख्या हेतु या सेतुओं का प्रयोग करना, कि लिंक हर चीज जो है हमारी एक दूसरे के साथ इंटररिलेट करती हो। Covering essential points. कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स, जिसे हिंदी में कहेंगे आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना। और नेक्स्ट आता है टेस्टिंग प्यूपल्स अंडरस्टैंडिंग। टेस्टिंग प्यूपल अंडरस्टैंडिंग, जिसे हिंदी में हम कहेंगे बोध परीक्षण जो है वो किया जाना चाहिए। तो इसके अंदर क्या चीज आती है? सबसे पहला आपका कंपोनेंट क्या कहता है? कंपोनेंट जो मैंने पहले बताया आपको कि किसी भी स्किल को हम कर रहे हैं, तो जब हम स्किल्स को कर रहे हैं तो ऐसे कारक, ऐसे फैक्टर जो हमें करने चाहिए और ऐसे फैक्टर जो हमें नहीं करने चाहिए। तो हम कौन से डिस्कस कर रहे हैं? हम डिजायरेबल जो कंपोनेंट्स हैं, जो चीज करनी चाहिए किसी भी स्किल को डिलीवर करते हुए, उन सब चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? यूज ऑफ एप्रोप्रिएट बिगनिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट किसी भी कंसेप्ट को जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी विषय की जितनी इंट्रोडक्शन अच्छी होती है, बच्चे का इंटरेस्ट उतना ही उस कंसेप्ट के अंदर जो है वो बनता है। और जब हम सारी की सारी जानकारी दे देते हैं, लास्ट में विषय वस्तु या कंटेंट को कंक्लूड करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है कि हमने कंटेंट को जो है वो क्या करवाया है या क्या चीज पढ़ाई जा रही है। तो हमेशा जो हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट है कि हम एक्सप्लेनेशन कैसे कर रहे हैं, किस तरह से बच्चे को एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्या उसकी प्रीवियस नॉलेज को लिंक्ड करके उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, इस चीज का हमें इसके अंदर ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ जो हम ओपनिंग स्टेटमेंट या जिस कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं, क्या वो बच्चे की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और उसके साथ साथ लास्ट में क्या देखना हमें? कंक्लूडिंग, कि जब हम किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक को हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो उसे हम लास्ट में दो या तीन लाइन के अंदर उसका सामान्यीकरण जरूर करेंगे। उसको जनरलाइज जो है वो हर हालत में किया जाना चाहिए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स, व्याख्या सेतुओं का प्रयोग करना। व्याख्या सेतुओं का प्रयोग क्या होता है? कि ऐसे हम कहें कि हमें जो है वो स्टेटमेंट्स का यूज करना है, जो कि क्या कर रही है कि एक कंसेप्ट को, फर्स्ट कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट को क्या कर रहा है, दूसरे कंसेप्ट के साथ लिंक कर रहा है।
इस तरह के स्टेटमेंट्स को जो है हमें यूज करना चाहिए। ये स्टेटमेंट्स क्या हो सकती हैं, कैसी हो सकती हैं? हम जब कहें कि जब क्या कहा जा रहा है कि जैसे हम कहते हैं कि कोई फॉर्मूला है, बच्चे को एक फॉर्मूला बताया गया, उस फॉर्मूला के बाद टीचर क्या कर रहा है, एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और लास्ट में जब वो यूज करता है हैंस प्रूव्ड, तो ये क्या है? ये एक इस तरह की स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्लेनेशन या कंसेप्ट को एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, लिंक्ड कर रही है। हम कहें हैंस प्रूव्ड रिजल्ट एज अ रिजल्ट फॉर द रिजल्ट ऑफ दिस कंसेप्ट, उसके रिजल्ट में क्या चीजें आएंगी, अर्थात मींस, जबकि हम कहें कि मींस का यूज करा जा रहा है, दैट मींस कि उसका मतलब क्या है। इस तरह की जब हम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ कि वो एक कंसेप्ट को दूसरे के साथ क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है, दैट इज कवरिंग द एसेंशियल पॉइंट्स, जो हमारे किसी भी विषय के एसेंशियल पॉइंट्स हैं उनको कवर करता होना चाहिए। एसेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं, जब हम किसी भी रूल को बता रहे हैं तो वो रूल क्या है, वो एसेंशियल पॉइंट है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस दिया जाना चाहिए, अंडरस्टैंड बोलना चाहिए कि ध्यान दीजिए ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से कवर अप किया जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। इन सब के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। मेजर चीज जो है वो क्या है, टेस्टिंग पीपल अंडरस्टैंडिंग, जब टीचर जो है वो बच्चे को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन चल रही है, तो बीच बीच में बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, उसके लिए वो क्वेश्चनिंग कर सकता है, बच्चों से प्रश्न जो है वो किए जाने चाहिए। जब तक वो प्रश्न नहीं करेगा उसे कैसे पता चलेगा कि बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बीच बीच में जो टॉपिक जो कंसेप्ट बताया जा रहा है उससे क्वेश्चनिंग की जानी चाहिए, क्योंकि जब टेस्टिंग पीपल अंडरस्टैंडिंग होगी तो उससे क्वेश्चनिंग स्किल से क्या फायदा होगा, एक तो अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक होगा, उसके साथ साथ क्लास में क्या बना रहेगा, डिसिप्लिन बना रहेगा, और एक आपको खुद टीचर को जनरलाइज्ड होगा कि जिस मेथड से वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है उससे बच्चों को क्या आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। तो ये क्या है हमारे, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेनिंग स्किल्स, मींस क्या चीजें हमें एक्सप्लेनिंग स्किल के अंदर करनी चाहिए। एक्सप्लेनिंग स्किल क्या है हमारी, व्याख्या करना, किस चीज के लिए क्यों करी जाती है व्याख्या, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो लर्नर है स्टूडेंट है उन सभी को डीपली गहराई से किसी चीज के बारे में जानकारी देना, इस चीज के लिए क्या किया जाता है, एक्सप्लेनिंग स्किल को जो है वो किया जाता है। जैसे मैंने आपको स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में बताया था कि परफॉर्मा जो है वो किसी भी स्किल का क्या होता है, तो वही परफॉर्मा सेम जो है वो क्या है आपका, एक्सप्लेनिंग स्किल का भी है कि आप जब एक्सप्लेनिंग स्किल को परफॉर्म करेंगे उसको राइट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले पीपल टीचर एक्टिविटी, फिर क्या लिखी जाएंगी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी छात्र क्रियाएं, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, दैट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट्स क्या होंगे, जो घटक जो अभी मैंने आपको बताए हैं उनको लिखा जाएगा। इस तरह से हम हमारी पूरी की पूरी स्किल को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, उसको डेमोंस्ट्रेट किया जाएगा, और लास्ट में जो प्यूपल टीचर है उसके द्वारा क्या बनाई जाएगी, रीडिंग स्केल जो है वो बनाया जाएगा। रीडिंग स्केल बनाने के लिए वो क्या यूज करेगा, एक तरफ क्या लिखेगा, वो कंपोनेंट्स को लिखेगा, और दूसरी तरफ क्या दिखाएगा, रेटिंग स्केल दिखाया जाएगा, 1, 2, 3, 4 जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे, और इस तरफ क्या आ जाएगा आपका, रेटिंग स्केल आ जाएगा। इस तरह से हम पूरा का पूरा हमारा रेटिंग स्केल जो है वो बनाएंगे। तो ये क्या थी हमारी, दैट इज द एक्सप्लेनिंग स्किल। एक्सप्लेनिंग स्किल किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है, इलैबोरेट करके बताना है, तो उसमें एक कंसर्न टीचर को किन चीजों को करना चाहिए, किन चीजों को नहीं करना चाहिए, कौन से स्टेटमेंट्स को हमें किस तरह से यूज किया जाना चाहिए। तो वो चीज हमने किसमें देखी है, हमारी एक्सप्लेनिंग स्किल के अंदर देखी है। तो जो एक्सप्लेनिंग स्किल है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्किल को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।